शिखा सक्सेना है अगली कॉलर, स्वागत थोड़ा है बंद करो, आपका। मेरा फोन लग रहा है। हेलो, शिखा जी, नमस्ते हाँ जी, मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर स्वागत है आपका। जय हिंद शिखा जी। डॉक्टर, मेरे चार क्वेश्चन है। पहला है कि मेरे पेट में गैस बहुत बढ़ती है, और दूसरा है कि है ना, मेरे हस्बैंड के दोनों कंधों पे बहुत दर्द रहता है, और एक मेरा क्या खुजली बहुत है पैरों में, और एक मुझे ना कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जैसे अस्थमा की शिकायत हो ऐसी अब होने लगी कुछ कुछ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 65 साल है। ठीक है। एक तो खुजली है आपको और एक सांस में प्रॉब्लम है, और ये उम्र जो है 65 साल की उम्र बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ बीमारियाँ आती हैं। ये इस उम्र में कुदरती तौर पर खून गाढ़ा होता है और दिल की रगों में चर्बी भर जाती है और खून पूरी तरह से पास नहीं हो पाता, तो सांस फूलने की शिकायत होती है और सीना भारी भारी रहता है, अस्थमा सा लगता है, पैदल चलो तो सांस फूलता है, और कोलेस्ट्रॉल की भी इसमें ही शिकायत होती है इस उम्र में, और वो दिल की कोई भी बीमारी शुरू हो सकती है। तो एक बहुत आसान नुस्खा है, ये आपकी तीनों बीमारियों के लिए एक ही नुस्खा काफ़ी है। खाने का सोडा एक चुटकी में जितना आ जाए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, खाने का सोडा एक चुटकी एक गिलास पानी में डालें, और एक चुटकी नमक जैतून, असली जैतून का नमक, ये असली लेना क्योंकि इसमें नकली बहुत आते हैं। ये नमक एक विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, लेकिन इसे नमक जैतून कहते हैं। ये भी एक चुटकी पानी में मिला दें, और ये पानी रोज़ाना दिन में 2 बार पी लिया करें, तो आपकी ये सारी समस्याएं में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी आपके पति को कंधों में दर्द है, तो एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ और एक दवा बता रहा हूँ, हो सकता है दवा की ज़रूरत भी ना पड़े, एक्सरसाइज अगर वो ठीक से कर ले। देखिए ऐसे बैठे मेरी तरह और ये ठोड़ी ऐसे मोड़ दें, देखिए ये मैं यहाँ तक ले आता हूँ कंधे तक ऐसे। एक तो ये एक्सरसाइज करें, फिर ऐसे बैठें और ये कान कंधे से लगाएं। ये आप 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज करें रोज़ाना। मुझे मालूम है कि ये लगातार 3 मिनट कोई नहीं कर पाता, तो एक एक मिनट करके 3 बार में 3 मिनट, एक एक मिनट करके 3 बार में 3 मिनट दूसरी एक्सरसाइज भी कर लें। हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत ही ना पड़े और आप बगैर दवा के अच्छे हो जाएं, आपके पति देव, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो एक आता है गोंद स्याह, असली लें, नकली बहुत मिलता है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी या दूध से खाने के पश्चात, खाने के बाद खिला दिया करें, उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है।